हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि Instagram पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। भाई कुछ लोग क्या क्या करते हैं, Instagram पर जाते हैं सीधा, वहां से गैलरी के अंदर जाते हैं और वहां से गैलरी के अंदर से कुछ वीडियो लेते हैं अपनी और सीधा रील अपलोड कर देते हैं। भाई दोस्तों, उसमें काफ़ी सारी चीज़ लगानी होती है, जैसे हैशटैग लगाना होता है। काफ़ी कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती कि Instagram पर रील अपलोड कैसे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Instagram पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक। और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर में चले जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे Instagram, ठीक है। Instagram यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ये मेरा Instagram अपडेट है। जिसका भी Instagram अपडेट ना हो वो जाके Instagram अपडेट कर लेना, उसके बाद में ही Instagram अच्छे से चलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बैक चले जाएंगे, हम अपने Instagram पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। हमने अपना Instagram पर क्लिक करा और Instagram पर क्लिक करने के बाद भाई कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है सबके फ़ोनों में। और देखो, अब मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ ए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्लस का आइकन आ रहा है, इस प्लस के आइकन पर हम क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट अपनी गैलरी के अंदर चले जाते हैं, मोबाइल गैलरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रील आ जाएंगी हमारी, और भी रील होती हैं जो हम फ़ोन में जैसी रील देखना पसंद करते हैं उस तरीके की रील यहाँ पर सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा बैक लेंगे। बैक लेने के बाद यहाँ पर प्लस का आइकन आ रहा है बीचों बीच, ठीक है। ये वाला जो प्लस का आइकन आ रहा है ना बीचों बीच, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइप करा, यहाँ पर टाइप करने के बाद हम वो वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं जो वीडियो हमें अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली वीडियो आ रही है तो मैं यहाँ पर ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर ली, या गई। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर कोने में नेक्स्ट का आइकन आएगा, ये वाला, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर लिखा हुआ आता है वीडियो पोस्ट आर यू नाउ शेयरड एस रील, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक। उसके बाद में हमने जो भी यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट करी थी बल्कि वो वीडियो हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी हम सॉन्ग जो भी हमें पसंद है वो सॉन्ग हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो सॉन्ग लेने के लिए यहाँ पर ये वाला आइकन, ये ऊपर आइकन आ रहा है सॉन्ग का, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये वाला सॉन्ग का आइकन आ रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में जो सॉन्ग होंगे वो सारे सॉन्ग आ जाएंगे। मतलब कि जो Instagram सॉन्ग देता है वो सारे सॉन्ग यहाँ से आ जाएंगे। हम चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग एक लेकर यहाँ पर अपनी वीडियो के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो हम सॉन्ग ले लेंगे, उसके बाद में यहाँ से दूसरे नंबर पर, उसके बाद में ये दूसरे नंबर पर आ रहा है ABC AA, ये लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे हाई फ्रेंड्स, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने हाय फ्रेंड्स लिखा, उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है ये वाला आइकन आ रहा है, यहाँ पर अपने दिखलाए तो ये वाला आइकन आ रहा है ना। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पर फिल्टर लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला एक आइकन आ रहा है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पर फिल्टर लगने शुरू हो जाता है। ये देखो, कुछ इस तरीके के फिल्टर आ जाएंगे। हम यहाँ से फिल्टर चेंज भी कर सकते हैं, ये देखो मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ लाइन से, ये हम कोई से भी फिल्टर यहाँ से अपने पसंद के लगा सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी एक फिल्टर लेके डन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब हमें नेक्स्ट जो प्रोसेसर है, असली प्रोसेसर, वो क्या करना है, यहाँ से हम वीडियो को नेक्स्ट कर देते हैं। भाई जो हर कोई करता है Instagram पर वीडियो अपलोड करने के लिए, यहाँ से नेक्स्ट कर देता है। और यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद ही यहाँ से डायरेक्ट शेयर का ऑप्शन आता है नीचे, ठीक है। ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है नीचे, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है, वीडियो वायरल नहीं होती। तो दोस्तों, हमें यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है ब्राइट ए टाइप करने के लिए, तो ये ऑप्शन जो दिया गया है, राइट ए कैप्शन, तो ये जो टाइप करने के लिए ऑप्शन दिया गया है ये इसलिए तो दिया गया है, तो यहाँ पर जिस भी हमने कैटेगरी में वीडियो बनाई है उस कैटेगरी के बारे में अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें टाइटल लिखना होता है, ये जो हमारा कैप्शन है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ना वीडियो के एडिट कवर के नीचे ही ऑप्शन आता है हमारे टाइप करने का, तो यहाँ पर हमें टाइटल भरना होता है कि जिसकी वीडियो है उसका टाइटल यहाँ पर भरना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मयूर जग, ठीक है। मैंने यहाँ पे मयूर जग लिख दिया। तो भाई अगर आपका कोई भी सॉन्ग है, जो भी पसंद है, जो भी है उसके बारे में लिखना है, ये तो मैंने एक लिखलाने के लिए आपका लिखा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ की वीडियो है उसी के बारे में यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ से हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अच्छे से टाइटल लिखना है, उस चीज़ के बारे में लिखना है जो भी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइटल के बाद में ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैशटैग लगाएंगे, हैशटैग, ठीक है। इस तरीके से हैशटैग लगाएंगे, उसके बाद में जो भी हमारा टाइटल है उसी से रिलेटेड हम यहाँ से हैशटैग डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी डाल के दिख रहा था, यहाँ पे मैंने ये टाइप करा मयूर, ठीक है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे हैशटैग आ चुके हैं, ठीक है। मयूर पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद में यहाँ से फिर एक और हैशटैग लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वायरल, ठीक है। जैसे मैंने वायरल लिखा,
यहाँ पर थोड़ी देर सर्च होगा और वायरल जो हैशटैग है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने दो हैशटैग लगा लिए, इसी तरीके से मैं यहाँ पर चार हैशटैग लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने चार हैशटैग लगाऊंगा। ठीक है, तीन हो गए और इसी तरीके से ये हमारा हैशटैग आ गया चौथा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, ये मेरे घर की वीडियो, तो मैं घर पर लिख देता हूँ। ठीक है भाई, हमारी जिस भी कैटेगरी के बारे में वीडियो हो उस कैटेगरी के बारे में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भर भर के हैशटैग है, सारे हैशटैग आ जाएंगे। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर हमें लोकेशन डालनी है तो लोकेशन भी डाल सकते हैं ये यहाँ से। ठीक है, हम वीडियो में लोकेशन डालना चाहें तो वीडियो में लोकेशन भी डाल सकते हैं, वीडियो चलती रहेगी और वहाँ पे लोकेशन भी शो कराएगा कि ये हमारी लोकेशन कहाँ की है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, हम यहाँ से बीच में टैग भी डाल सकते हैं, यहाँ से हैशटैग पर क्लिक करेंगे, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ अच्छे से हमें यहाँ पर भरना है। पहले हम इसे अच्छे से यहाँ पर भर लेंगे, उसके बाद में अपनी वीडियो हम यहाँ से शेयर करेंगे, ये यहाँ से हम शेयर करेंगे। जैसे हम यहाँ से वीडियो शेयर करेंगे तो ये पब्लिक होनी शुरू हो जाएगी, ये देखो फिनिशिंग अप। इस तरीके से हमारी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों, ये होता है इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने का सबसे सही तरीका, कुछ इस तरीके से वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करी जाती है। जिस पर भी इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करनी नहीं आती, उस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।